के अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया गया है तो वो कहाँ चला गया है? ये मैं नहीं जानती, पर इट्स अ सीरियस मैटर, मैं पता करती हूँ। मैंने चेक की डिटेल्स देखी हैं, उसमें आपके सिग्नेचर है। व्हाट? आपका ये ताजुब या हैरानी खतरे की घंटी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके पहले कि बात बहुत आगे बढ़ जाए, आपको इस मामले की गहराई तक छानबीन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं इंक्वायरी अभी शुरू कर देती हूँ। मैं जो खबर लेकर आया हूँ वो सुनने लायक नहीं है, पर देखने लायक जरूर है। मतलब? क्या मतलब? मिस नीतू मल्होत्रा, हाजिर हो। नीतू, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आज से आप बबली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारेंगे, और बबली जितनी देर भी आपके साथ रहना चाहे आप उसे रहने देंगे। ओके डॉक्टर। एक बात और जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं बबली के हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। वर्कर्स की 5 कॉम्पेंसेशन के लिए चेक्स इश्यू किए हुए काफी टाइम हो गया है, इज दैट ट्रू? या, मैं जानता हूँ, लेकिन पैसा तो अभी तक वर्कर्स के पास पहुंचा नहीं, क्यों? Be brave. The worst is over. तुम यहाँ क्यों चले आए? मैं अपनी इस खुशी में और किसी को शामिल नहीं करना चाहता था, सिर्फ तुम और मैं। यहाँ सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे। सेलिब्रेटिंग आवर हैप्पीनेस। अरे आज कितने दिनों के बाद हम ऐसे मिल रहे हैं। तभी बाहर क्लोज का बोर्ड लगाया है। हाँ, हम तुम्हें एक छोटी सी पार्टी देना चाहते थे। Here comes the champagne. ये तो बेटा, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे बेटा, और ये वक्त वॉल्टर ने कैसे गुजारा है तुम्हें कैसे बताऊं बेटा? जो वक्त गुजर गया उसकी कोई परवाह नहीं है, अब सोचना ही है कि ये वक्त कैसे गुजारा जाए। Come on, Neetu, open the champagne. मैं? हाँ। You saw. पूजा, मैं देख रही हूं कि ऋषभ ने तुम में दिलचस्पी लेना कम कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, आजकल वो अपने परेशानियों में उलझे हुए हैं। वो किसके लिए उलझा है वो मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो तुम्हें लेके परेशान हूँ। क्यों माँ जी? पूजा, मुझे लगता है ऋषभ तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। माँ जी, हम उनकी परेशानियां समझते हैं, हमें ऐसी कोई फिक्र नहीं है। बोर्ड मीटिंग के बाद आप उन पर नाराज हैं ना? एक बात बोर्ड मीटिंग ने साबित कर दी है जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। क्या माँ जी? ऋषभ हूबहू अपने पिता केशव मल्होत्रा की तरह बनती जा रहा है, और केशव मल्होत्रा जैसे मर्द अपनी बीवियों को कभी खुश नहीं रखते हैं। मुझे तो डर है कि तुम्हारा हर्ष मेरी तरह ना हो जाए। माँ जी, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा ना? तुम्हारे भाग्य में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो मेरे भाग्य में लिखा है, लेकिन मैं ऋषभ को केशव मल्होत्रा कभी बनने नहीं दूंगी। ऐसे मर्दों को काबू में कैसे रखते हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। मैंने इसकी
कीमत चुकाई है। हेलो 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 हेलो। मैंने अक्सर देखा है लोग अकेले मुझसे बहुत बातें करना चाहते हैं, लेकिन सबके सामने उन्हें सांप सुन जाता है। क्यों मिसेज ऋषि मल्होत्रा, बहन प्रीतु एंड सुनील वर्मा, हाउ डू यू डू? वेरी फाइन, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू एज वेल। मिस्टर मल्होत्रा, मैं अब चलूंगा, बाद में मिलता हूँ आपसे। यहाँ क्यों आई हो? तुम शायद भूल रहे हो, मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम है देविका, आजकल तुम मेरे साथ रहते हो। तुम्हारे बुरे वक्त में सहारा दिया था मैंने तुम्हें। मुझे याद दिलाने की कोशिश मत करो, कम से कम याद नहीं। बुरे वक्त के साथी को अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगे? सुना है नीतू को बेल मिली है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे सुन के भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और अब जा सकती है। छोटों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। श्योरली तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना तो सिखाया होगा। बहन चले, मैंने घर पे छोटी सी सेलिब्रेशन का इंतजाम कर रखा है। लेट्स गो। नहीं पापा, कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे पापा इतने एहसान फरामोश नहीं जितना तुम उन्हें समझती हो। क्यों महन, Should we go? पापा कहीं नहीं जाएंगे। पितू, बेटा पापा को जाने दो। थैंक यू मिसेज निशी मल्होत्रा, सो वेरी थॉटफुल ऑफ यू। चले मैं। I'm sorry. Excuse us. See you all later. Bye. जरूरत से ज्यादा अंधेरा नहीं है? हमारी आंखों से देखिए हुजूर, एक तो आपके चेयरमैन होने की चमक, दूसरा आपकी इन आंखों का नूर, और तीसरी इस मोमबत्ती की रोशनी। मेरे लिए उजाला तो जरूरत से ज्यादा ही है। अच्छा, वैसे जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, वैसे तुम जैसे रोमांटिक आदमी पिछड़ते जा रहे हैं। वो कैसे? अभी कैंडल की लाइट में डिनर करने का क्या मतलब हुआ? मोहतरमा, अगर आप इतिहास गौर से पढ़ें, तो आपको एहसास होगा कि क्योंकि दुनिया से रोमांस खत्म हो रहा था, साइंस ने तरक्की की। वरना हम रोमांटिक लोगों का साइंस से क्या लेना देना? लगता है तुमने साइंस पढ़ी ही नहीं और इतिहास तुम्हें गलत पढ़ाया गया है। तुम्हारे बेसिक्स बहुत गलत है। हुजूर, हमारे बेसिक्स एक बार आजमा कर तो देखिए, सब कुछ सही लगने लगेगा। अच्छा, कैसे? अब मुझे देखिए ना, इतनी कम रोशनी और बस आपका साथ। जी चाहता है सारी जिंदगी यूं ही आपकी आंखों में डूबे हुए गुजार दूं। अगर तुम लखनऊ में पैदा हुए होते तो आज तक एक बड़े शायर बन जाते। लेकिन मैं शायरी तभी कर पाता अगर आप हर वक्त मेरे सामने होती। तो तुमसे बातों में नहीं जीत सकती मैं, और बाकी हर चीज में तुम्हें हार मान ही चुका हूं। लेकिन इस बार मेरी जीत की वजह तुम भी हो सूरज। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन बनने का ख्वाब तुमने मुझे दिखाया था। स्वेतलाना, कामयाबी का मंत्र तो यह है कि रात को बहुत बड़े बड़े सपने देखो और सुबह उन्हें पूरे करने की कोशिश करो। तुम्हें अपना एक और ख्वाब बताओ जो मैं चुपचाप देखती हूँ। क्या? फैशन वर्ल्ड में अपने लेबल का एक अलग आइडेंटिफिकेशन, स्वेतलाना फैशन का एक अलग सिग्नेचर, एक अलग नाम। ओके, आज रात को आपने एक बार बताया, कल सुबह से कोशिश शुरू। तुम्हारे काफी एहसान है मुझ पर। जो सपने में डर डर कर देखती हूँ उन्हें तुम कितना आसान बना देते हो। वैसे मैं भी तुम्हें एक तोहफा देने वाली हूँ। क्या? उसके बारे में अभी कोई सवाल नहीं, जब सही वक्त आएगा तुम्हें तोहफा मिल जाएगा।
come in, sir? Oh, yes. Come in, Walton. How are you, sir? I'm fine. How are you? I'm fine, sir. Sir, मुझे आपका मैसेज मिला. क्या आप मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहते थे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है. कहिए सर. वैसे मैं भी आपसे मिलने आने ही वाला था. सर, मैं रिकॉर्डिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ. आप जब चाहें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. मैं जानता हूँ वॉल्टर कि तुम उसी डायरेक्शन में तैयारी कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें इमीडिएटली बुलवाया. कहिए सर. दो दिन पहले हमारे सारे ब्रांच मैनेजर्स की एमडी के साथ एक मीटिंग हुई. जानते हो किसके लिए? सेल्स डिस्कस करने के लिए. सेल्स डिस्कस करने के लिए? जो कैसेट हम लोगों ने पहले रिलीज करवाए थे उसी के बारे में कल मीटिंग में एक डिसीजन दिया गया. विच इज अ सैड न्यूज फॉर यू. सैड न्यूज वॉल्टर? ये कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए वो किसी न्यू कमर को लेकर कोई कैसेट रिलीज नहीं करेगी एज अ पॉलिसी डिसीजन. क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो न्यू कमर्स को लेकर कैसेट रिलीज करवाया ना, उसमें हमें काफी लॉस हुआ है. सर, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा सर. वॉल्टर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट इन माई हैंड. ये मेरे हाथ में नहीं है. सर, ऐसा मत करिए. सर, मैं बहुत उम्मीदें लगा के बैठा हुआ. सर, आप प्लीज मुझे एक मौका दीजिए. मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और मैं इतनी अच्छी म्यूजिक कंपोज करूंगा कि आपके पीछे के सारे नुकसान. देखो, इन बातों से कोई कन्विंस नहीं हो सकता. हमारी कंपनी इस वक्त ऐसे लॉस में है कि वो तुम्हारे इस फैक्ट को कंसिडर नहीं कर सकती. सर, आप मुझे सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड करने दीजिए और आप वो मैनेजमेंट को सुनाइए. सर, देखो, इन बातों को डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लोग एक भी गाना सुनना नहीं चाहते. नॉट इवन अ वन सॉन्ग, किसी भी आदमी का नहीं. यू अंडरस्टैंड? आई एम वेरी सॉरी. सर, ये सब आप इसलिए तो नहीं कर रहे कि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी थी? सर, अगर ये बात है तो आई एम रियली वेरी सॉरी. सर, नहीं वॉल्टर, देखो, बिजनेस में सिर्फ दो ही चीजें कंसिडर की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, नफा या नुकसान. देखो, मेरी कंपनी को अगर तुमसे फायदा होता ना वॉल्टर, तो लोग छक मार कर तुमसे रिकॉर्डिंग करवाते. सर, तो फिर इस तरह अचानक रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दिया आपने? हार्ड लक वॉल्टर. देखो, अगर तुमने पहले रिकॉर्डिंग करवा ली होती ना, तो इस वक्त तुम्हारी कैसेट मार्केट में होती और जहां तक मेरा ख्याल है वो सुपर हिट हो जाती. इट्स बीन अनफॉर्चुनेट, कांट डू एनीथिंग. लेकिन इस पर्टिकुलर दुख से, यानी कि इस इंसिडेंट से, तुम एक सबक तो सीख सकते हो. नेवर मिक्स योर इमोशंस विथ योर प्रोफेशन. नानीमा, आने वाला वक्त आप दोनों के प्यार का इम्तिहान लेने वाला है. पब्लिक को आपके प्यार की सख्त जरूरत पड़ने वाली है. नानीमा, तुम्हें ये बात कहनी क्यों पड़ रही है ऋषभ? हम दोनों ने बबली के प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी है. मैं जानता हूँ नानीमा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों बबली से बहुत प्यार करते हैं और मुझे आपके प्यार पर कोई शक नहीं है. लेकिन नानीमा, अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि जिस गहराई से हम लोगों को प्यार करते हैं उसे हम जाहिर नहीं करते. आप लोगों को अपना प्यार रोज जाहिर करना पड़ेगा. मैं कुछ समझा नहीं ऋषभ. देखो प्रहलाद, आज से हर पल तुम्हें बबली के साथ गुजारना है, उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाना है और गलती से भी एक पल के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना. लेकिन अगर हम लोगों ने ऐसा किया, इतना प्यार जताया उस पे, तो क्या वो इरिटेट नहीं हो जाएगी? नहीं प्रहलाद, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हम लोगों के बीच में रहते हुए भी आज बबली अपनी एक अलग दुनिया में रह रही है. कौन सी दुनिया? वो दुनिया जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानती है, वो दुनिया जिसमें उसका बचपन गुजरा है, वो छोटी सी सहमी सी डरी हुई लड़की पर्दे के पीछे छुपी हुई. तुम उसके सबकॉन्शियस की बात कर रहे हो ना ऋषभ? हाँ प्रहलाद, मैं उसके सबकॉन्शियस की ही बात कर रहा हूं. उसका अतीत उसके आज पर हावी हो रहा है, वो खुद को सेल्फ विक्टिमाइज कर रही है. उसे इस वक्त हमारे सहारे की सख्त जरूरत है. मेरी बबली ठीक तो हो जाएगी ना? केस क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ऋषभ? हाँ प्रहलाद, केस कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने मुझे विश्वास दिलाया कि हमारी बबली जरूर ठीक हो जाएगी. मैं सोचती थी कि बबली ने बचपन में जो नर्क भोगा है वो उसकी जिंदगी में नर्क कभी भी वापस नहीं आएगा. तो वही नर्क में वापस चली गई. लेकिन नानीमा, उस नर्क में और इस नर्क में बहुत फर्क है. वहां वो अकेली थी, लेकिन यहाँ हम तीन उसके साथ में हैं, उसके सहारे के लिए. हम लोग सब मिलकर उसे इस नर्क से निकालेंगे नानीमा, आई प्रॉमिस. अब हमें क्या करना होगा प्रहलाद? सबसे पहले
तुम जाकर डॉक्टर शर्मा से मिलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे कल ही मिलाता हूं। मिस्टर दलाल ने ये बेहुदा प्रपोजल यहां क्यों भिजवाया है? दलाल ने? सी, ये प्रपोजल तो स्वेतलाना का है। मैं इसी प्रपोजल की बात कर रही हूं। राइट, थैंक गॉड। मैंने सोचा पता नहीं दलाल ने क्या भेजा होगा। प्लीज करण, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तुम डायरेक्टर्स का दिमाग खराब हो गया है कि ऐसे प्रपोजल को प्रमोट कर रहे हो? स्वेतलाना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन बनकर अपना घटिया एक्सपोर्ट बिजनेस मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में जोड़ रही है और कोई कुछ कह नहीं रहा है? अगर आप मेरी बात माने तो इस पर साइन कर दीजिए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या तुम पागल हो गए हो? उसे छूट पे छूट दे जा रहे हो? क्या ये कम है कि एक रखेल मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन है? अब क्या सब कुछ उसके नाम कर दोगे? अगर इतना दिमाग गर्म रखेंगे तो मैं आपको क्या समझाऊंगा? करण, मुझे डर है जो मैं सोच रही हूं ना, कहीं वो सही ना निकला है। आप क्या सोच रही हैं? मुझे लगता है कि तुम भी स्वेतलाना की जाल में फंस रहे हो। मैं वो सांप हूं जो किसी भी सपेरे के काबू में नहीं आता। सरोमारी, जब स्वेतलाना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन बनी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद उसे यह भूत सवार हुआ कि उसकी एक्सपोर्ट कंपनी का इस इंडस्ट्री के साथ मर्जर होना चाहिए, तब मुझे और भी खुशी हुई। इनफैक्ट कि मेरा सजेशन था कि ऐसा मर्जर होना चाहिए। तुम इसका नतीजा जानते हो? यू रिलैक्स, मैं नतीजा समझाने ही आया हूं। मान लीजिए कल मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरपर्सन किसी सोशल स्कैंडल में फंस जाता है तो उसकी क्या हालत होगी? अगर स्वेतलाना की एक्सपोर्ट कंपनी को लेकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में कोई गफला होता है तो वो किसे अपना मुंह दिखाएगी और कौन मल्होत्रा उसे माफ करेगा? क्या यानी तुम स्वेतलाना की कामयाबी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करोगे? ऐसे कुछ, स्वेतलाना से मेरा ताल्लुक सिर्फ नफरत का है और उसका नामो निशान मिटा देना मेरा मकसद रहा है और वही मेरा मकसद रहेगा। और फिर मैं केशव मल्होत्रा तो हूं नहीं कि उसके जादू में फंस जाऊंगा।